बल्लारपुर में युवक कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के घटना के विरोध में योगी सरकार का निषेध व्यक्त किया। युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत तांबे के आदेश के अनुसार पूर्व सांसद नरेश पुगलिया के मार्गदर्शन में युवक कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष करण पुगलिया के नेतृत्व में बल्लारपुर विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष चेतन गिडाम ने बस्ती विभाग में महात्मा गांधी जी के पुतले के पास उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में हुए किसानों की मौत के संबंध में साथ ही कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर युवक कांग्रेस की ओर से योगी सरकार के विरोध में निषेध व्यक्त करते हुए आंदोलन किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे तथा सभी ने योगी सरकार तथा भाजपा की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष चेतन गिडाम के साथ छोटू सिद्दीकी, सिकंदर खान, शंकर महाकाली, कमलेश माकोड़े, रुपेश रामटेके, अजर शेख, रोहल खान, संदीप नक्सीने, काशी मेंगवार, श्रीकांत गुजरकर, राहुल घुंगरुकर, रोशन ढेंगड़े, शैलेश लांजेवार, साहिब बांड्रे, राजा केसकर, सोनू आमटे, आशीष मोहम्मद अहमद, आदर्श निर्मल, फैजल खान, नईम अहमद, बुरिया सेठ, रूपेश कोड़मेथे, शाबिर शेख, नाजिम भाई, सलीम भाई, अक्षय पपुलवार, मुबीन शेख, अली प्रमोद चिंतलवार के साथ बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति थी। वहीं इस मौके पर विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष चेतन गिडाम ने योगी सरकार के निषेध स्वरूप अपना आक्रोश व्यक्त किया। 3 ऑक्टोबर रोजी अपने अन्नदात्यावर लखीमपुर खीरी इथे भयानक एक केंद्रीय मंत्री यांच्या मुलाने गाड़ी चालवून आपल्या 8 अन्नदात्यावर जे प्राण गमावले त्या निषेधार्थ आज युवक काँग्रेस तर्फे बल्लारपूर गांधी पुतळा इथे निषेध करण्यात येत आहे। त्यामध्ये आम्ही संपूर्ण युवक काँग्रेसची टीम, त्यामध्ये आम्ही योगी सरकारचा आणि मोदी सरकारचा निषेध करत आहो। आणि असा आहे, या बीजेपी सरकारकडून वारंवार होणाऱ्या गुंडागर्दीमुळे आणि आमच्या किसान अन्नदात्यावर जे प्राणघातक हल्ला होऊन राहिला, प्राण जाऊन राहिले, या गोष्टीचा आम्ही संपूर्ण बल्लारपूर युवक काँग्रेसतर्फे, संपूर्ण जनतेतर्फे आम्ही निषेध करत आहोत। आणि अशी यांची गुंडागर्दी चालावी नाही या गोष्टीचा निषेध करत इथे आज आम्ही कार्यक्रम घेण्यात येत आहे।